हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अपना लेक्चर था उसके अंदर अपन ने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन ने देखा था। साथ ही साथ अपन ने देखा था कि आपके जो टंग के पास में अपने जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। तो उस टेस्ट बर्ड की अगर अपन बात करें तो आज हम उस टेस्ट बर्ड के बारे में बात करेंगे कि टेस्ट बर्ड प्रेजेंट कहाँ पर होती है। साथ ही साथ आज के जो लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे वो ये भी बात करेंगे कि हमारे टंग के ऊपर पैपिलास पाए जाते हैं। देखिए, जब भी आप टंग को देखते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी सी डॉटेड स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देती है, तो यही क्या होते हैं हमारी इसके अपनी जो टंग है इसके ऊपर क्या होते हैं, पैपिला कहलाते हैं। तो पैपिला की अगर अपन बात करें तो पैपिला अलग अलग टाइप के हैं, फंजीफॉर्म पैपिला, फोलिएट पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला, सर्कम्बुलेट पैपिला। तो ये सारे पैपिलास क्या होते हैं हमारे टंग के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। छोटी छोटी डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर टेस्ट बर्ड की अगर अपन बात करें तो टेस्ट बर्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो वो जो टेस्ट बर्ड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो भी इसके बारे में आज इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे। साथ ही साथ जो आज अपन बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, आज अपन बात करेंगे अपने टीथ का जो अपना जो अगर अपन देखें कि उसका जो फॉर्मूला है डेंटल फॉर्मूला, उस डेंटल फॉर्मूला की अपन बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से टीथ पाए जाते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं और हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या क्या है, इसको भी अपन क्या करेंगे आज कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक चीज और देखी थी, आप लोग टेस्ट के बारे में बताया था। तो उस टेस्ट के अंदर आप लोगों को टेस्ट के बारे में बताया था फिफ्थ टेस्ट, दैट इज उमामी टेस्ट। और उमामी टेस्ट जो है वो डिलीशियस, एक्सट्रीमली डिलीशियस चीज के लिए होता है। अब देखिए, एक्सट्रीमली डिलीशियस चीज के लिए अगर अपन बात करें तो एक्सट्रीमली डिलीशियस जो टेस्ट है वो किसके अंदर आता है, ऐसा टेस्ट आप लोगों को, आपने मैगी खाई होगी तो उस मैगी के अंदर आपको खाने को जो टेस्ट मिलता है वो डिलीशियस टेस्ट, उसके जो अपने वो जो टेस्ट है वो ही उमामी टेस्ट होगा आपका। ऐसे जो चिकन के अंदर जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो चिकन के अंदर जो टेस्ट आता है वो उमामी टेस्ट होता है। अब बात आती है कि वो उमामी टेस्ट अपने को किसके कारण दिखाई देता है, तो वो उमामी टेस्ट अपने को महसूस होता है MSG, मोनो सोडियम ग्लूटामेट के कारण अपने को महसूस होता है। किस कारण? MSG, मोनो सोडियम ग्लूटामेट के कारण अपने को क्या होता है, ऐसा टेस्ट अपने को दिखाई महसूस होता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पैपिले, देखिए पैपिले की अगर अपन बात कर रहे थे तो टाइप्स ऑफ पैपिले भी अपने को पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के। मैंने आपको बताया था अपने पास में लगभग चार प्रकार के पैपिला प्रेजेंट होते हैं, सर्कमवेलेंट पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, फोलिएट पैपिला और फिलीफॉर्म पैपिला। ये चार प्रकार। पैपिला का मतलब हो गया कि जब आप टंग को देखते हो ना तो टंग को देखने के ऊपर उसके ऊपर छोटे छोटे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर ही क्या होती है आपकी, पैपिला कहलाती है। क्लियर? अब देखिए, अब मैं इन सभी को आप लोगों को पहले बार डायग्राम के अंदर दिखा देता हूँ कि एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, देखिए सर्कमवेलेंट पैपिला की अगर अपन बात करेंगे तो ये आपकी टंग है और ये टंग का टिप पार्ट है। टिप पार्ट मतलब मीन्स ये जो सबसे बाहर होता है ये टिप पार्ट, ये आपका टिप पार्ट आ गया। उसके ऊपर आपको बताया था उसके बीच में क्या होता है, मार्जिन होता है, बीच में लाइन होती है किसके, टंग के बीच में। उसके ऊपर जब आप जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो अपन ने सबसे लास्ट में मतलब टंग का जो सबसे अंदर का, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो टंग का जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वहां पर कौन से प्रेजेंट होंगे आपके, सर्कमवेलेंट पैपिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर? देखिए यहाँ पर ये वी शेप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बन रही है ना वी शेप बनती हुई नजर आ रही है। तो सर्कमवेलेंट पैपिला टंग के लास्ट पार्ट के अंदर जाकर के वी शेप स्ट्रक्चर बनाते हुए पाए जाते हैं। देखिए Present as a inverted V row as the back of the tongue. देखिए inverted V है, जब अपन इस obviously V को देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, means क्या हो गया, inverted V shape का एक row बनाते हुए पाए जाते हैं। लगभग इनकी संख्या की अगर अपन बात करें तो लगभग कितने होते हैं, 12 इन नंबर्स। ये छोटी नहीं है कि लगभग 12 ही होंगे, अपन ये अपन एक एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि लगभग अपन इसका अनुमान लगाए तो अपने पास में कितने होंगे, ये 12 प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, ईच ऑफ देम कंटेन 100-300 टेस्ट वर्ड। इनके पास में किसके पास में, सर्कमवेलेंट पैपिलास के पास में क्या होंगे, लगभग 100-300 टेस्ट बर्ड पाई जाती है। टेस्ट बर्ड जरूरी है क्योंकि अपने को अलग अलग टेस्ट आते हैं, तो इस टेस्ट के कारण देखिए सबसे लास्ट में अपने को कौन सा टेस्ट आता है, अपने को अपने क्या बताया था, बिटर टेस्ट के लिए सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो जिम्मेदार होता है। तो 100-300 टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होती है। क्लियर?
नेक्स्ट अपने पास में फंजीफॉर्म पैपिला। देखिए कि फंजीफॉर्म की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात अगर अपन देखें तो ये कहां पर प्रेजेंट है, मशरूम शेप एलिवेशन स्कैटर्ड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ टंग। मतलब कि मशरूम जो आते हैं अपने, मशरूम लगभग अम्ब्रेला शेप के होते हैं मशरूम, तो अगर अपन मशरूम शेप के एलिवेशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ओवर द एंटायर सरफेस, मतलब कि पूरी टंग की आपकी जो सामने वाली ये जो सरफेस है इसकी पूरी एंटायर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, कौन से आपके पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला प्रेजेंट होंगे, जिसके पास में लगभग अगर अपन देखें लगभग 5 टेस्ट बर्ड क्या होते हैं अपने अंदर कंटेन करे हुए रहते हैं। इनके पास में कितनी टेस्ट बर्ड पाई जाती है, 5, जबकि इसके पास में कितनी रहती है 100 to 300 टेस्ट बर्ड क्या होती है इसके पास में प्रेजेंट होती है। क्लियर, फंजीफॉर्म की स्थिति ये देखिए, यहाँ पर अपन ने ब्लू वाले जो डॉटेड मशरूम लाइक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की है, ये आपका क्या हो जाएगा, फंजीफॉर्म पैपिला हो जाएगा। क्लियर, तो सर्कमवेलेट की स्ट्रक्चर पता चल गई अपने को, फंजीफॉर्म की पता चल गई। नेक्स्ट अपने पास में है फोलिएट पैपिला। देखिए प्रेजेंट ऑन द लेटरल मार्जिन्स ऑफ द टंग। देखिए लेटरल मार्जिन्स ऑफ द टंग का मतलब हो गया कि ये आपकी टंग है, ठीक है, इस टंग का जो ये साइड आ गया ना लेटरल साइड, लेटरल मतलब साइड वाला एरिया, तो इसके अंदर यहाँ पर जो प्रेजेंट है दैट इज अ लेटरल मार्जिन ऑफ दैट टंग, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल लेटरल मार्जिन। देखिए ये लेटरल मार्जिन से ये साइड वाला हिस्सा हो गया इसका, इस साइड वाले हिस्से के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके, फोलिएट पैपिला क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर, सबसे इंपोर्टेंट बात क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड डी जनरेट इन अर्ली चाइल्डहुड। देखिए कि अगर इसकी अगर पर टेस्ट बर्ड की बात कर रहे हैं, इससे पहले अगर अपन देखें सर्कमवेलेट के अंदर इसके अंदर, तो इसकी टेस्ट बर्ड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसकी जो टेस्ट बर्ड होती है ये अर्ली चाइल्डहुड, मतलब कि बचपन के अंदर ही, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही क्या हो जाती है, ये बिल्कुल पूरी खत्म हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, मतलब जो चाइल्ड बचपन होता है उस टाइम पे क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट अपने पास में है फिलीफॉर्म पैपिला, और फिलीफॉर्म पैपिला की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो वो ये कि जिस प्रकार से ये फोलिएट कहां पर प्रेजेंट थी, लेटरल मार्जिन्स के ऊपर प्रेजेंट थी। फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म, देखिए ध्यान रखिएगा, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म, इसलिए मैंने दोनों साथ साथ लिखी है यहाँ पर कि फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म पैपिला दोनों की दोनों पैपिलाज टंग की एंटायर सरफेस के ऊपर, मतलब पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लियर, जिसके अंदर से मैं बात करूं किसकी, फंजीफॉर्म की बात करूं तो फंजीफॉर्म कैसे होते हैं, मशरूम शेप के एलिवेशन से होते हैं, जबकि फिलीफॉर्म की अगर अपन बात करें तो कहां, एंटायर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि फोलिएट की जो अगर अपन टेस्ट बर्ड देख रहे हैं तो चाइल्डहुड के अंदर क्या हो गई आपकी, डिजनरेट हो गई, और इसके बाद इसके पास अगर अपन बात करें किसके, फिलीफॉर्म पैपिला की बात करें तो टेस्ट बर्ड जो होंगी इसके अंदर पाई ही नहीं जाती, इट मींस क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए मेक काम क्या कर रहा है, मेक इजियर फॉर द टंग टू मूव फूड इन ऑरल कैविटी। काम क्या कर रहा है देखिए, कि जब भी आप कोई चीज खाते हैं सबसे पहले वो आपके फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म पैपिला के ऊपर जाती है, तो हम फिलीफॉर्म की बात कर रहे हैं तो फिलीफॉर्म क्या काम कर रहा है कि जैसे ही आप खाना खाएंगे उसको अंदर ओरल कैविटी को अंदर धकेलने का काम कौन करेंगे, ये फिलीफॉर्म पैपिलाज आपके करेंगे, कौन करेंगे, फिलीफॉर्म पैपिला क्या करेंगे, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको आपके ओरल कैविटी के अंदर धकेलेंगे, उसके बाद वो आपकी ओएसोफेगस से होती है आपके स्टमक तक पहुंच जाती है। क्लियर, ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता दूं दो चीजें अपने पास में, एक तो लिंगुअल टॉन्सिल्स है, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स बहुत सारे होते हैं, पैलेंटाइन हो चाहे लिंगुअल हो, ऐसे बहुत सारे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। एक्चुअली टॉन्सिल्स क्या होते हैं, टॉन्सिल्स की अगर अपन बात करें तो ये लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, लिम्फ के बने हुए टिश्यूज होते हैं जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स आपने देखे होंगे, टॉन्सिल्स की अपने कई बार स्वेलिंग आ जाती है टॉन्सिल्स के अंदर, तो वो सारे ये अपने होते हैं। तो अगर अपन देखिए लिंगुअल वर्ड की अगर अपन बात करें, याद रखिए लिंगुअल वर्ड जब भी आपका काम में लिया जाता है, अगर अपन पढ़ते हैं लिंगुअल के बारे में तो लिंगुअल जो वर्ड है वो किसके लिए होता है, टंग के लिए काम में लिया जाता है, मतलब आपकी जीभ के लिए काम में लिया जाएगा। सर्कमवेलेट पैपिला समझ में आ गए, फोलिएट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ये सारी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। दोनों में आपको फंजीफॉर्म की मशरूम शेप एलिवेशन देनी है, जबकि फिलीफॉर्म को डोटेड छोड़ दीजिएगा, और फोलिएट आप लेटरल मार्जिन से बना दीजिएगा, सर्कमवेलेट आपको कहां बनाने, वी शेप के अंदर बनाने हैं, या आपके लिंगुअल और या आपके पैलेंटाइन टॉन्सिल्स हो गए। क्लियर, ये स्ट्रक्चर हो गए आपकी पैपिले की स्ट्रक्चर हो गई जो कि टंग के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर, देखिए कि नेक्स्ट अपन आपको बता देते हैं कि आपकी जो टेस्ट बर्ड होता है उसका अरेंजमेंट कहां पे होता है, वो कैसे आपको दिखाई देगी।
तो यहाँ पर आपको देखिए कि अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बनानी है, उसके ऊपर आपने हमने इसको थोड़ा सा शो किया है। आपके ये वाले पैपिला हो गए सर्कमवेलेट पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला, क्योंकि आपको पता है दोनों एक साथ साथ ही रहते हैं। फोलिएट पैपिला यहाँ पर नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वो लेटरल मार्जिन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट वर्ड, तो आपके जो पेपिला है, मतलब इसको ऐसे समझिए आपकी जो जीभ है, तो इसको आपको यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को क्या मानना है, तो जीभ का जो आपका एंटायर सरफेस सरफेस वाला जो पार्ट है इसको आपने ये मान लिया, ठीक है। अब आप ये जीभ, आप ये वाला जो जीभ का पार्ट हो गया, इससे आप अंदर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, इस तरह से। जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या होंगे, इस तरह से टेस्ट बर्ड कुछ क्या होंगे प्रेजेंट आपको नजर आएंगे। तो ये आपकी मतलब जो आपकी सरफेस है, उस सरफेस के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे की ओर जब उसको देखेंगे तो आपको इस तरह से टेस्ट बर्ड क्या होंगे नजर आएंगे, क्लियर। तो स्ट्रक्चर जो ये बताती है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बर्ड्स, तो स्ट्रक्चर किसकी हो गई, आपकी टेस्ट बर्ड को शो करती हुई स्ट्रक्चर हो गई, क्लियर। देखिए नेक्स्ट अपने पास में है डेंटिशन। डेंटिशन की अगर अपन बात करें तो जब अपन ने बात की थी अपनी बक्कल कैविटी के अंदर, तो बक्कल कैविटी के अंदर अपन ने बात की टंके अंदर टेस्ट बर्ड के साथ में पैपिलास की। तो एक और अपने पास में इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बक्कल कैविटी का, दैट इज टूथ। जो हमारे टूथ की अगर अपन बात करें तो वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी अपन खाना खाते हैं तो उसको मिक्स करने का, ग्राइंड करने का, उसका मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ये सभी कौन देखता है, ये देखता है आपका टूथ। तो देखिए कि अपने पास में अगर अपन टूथ की बात करें अपने पास में, तो एक तो थीकोडोन, देखिए थीकोडोन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो टूथ होते हैं वो कैसे होते हैं, थीकोडोन होते हैं। थीकोडोन का मतलब हो गया कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके जो टूथ होंगे तो वो इस तरह से यहाँ पर, ये आपका सॉकेट हो गया यहाँ पर, और सॉकेट से क्या निकले होते हैं टूथ, इस तरह से निकले हुए रहते हैं, ये एम्बेडेड रहेंगे और इसके अंदर ये टूथ आपका क्या होगा, इस तरह से निकला हुआ रहेगा। तो ये तो आपका हो गया सॉकेट और ये आपका हो गया टूथ। तो ये सॉकेट हो गया और ये टूथ हो गया, तो ऊपर जो निकला हुआ है वो टूथ है और अंदर की ओर जो एम्बेडेड, किसके अंदर एम्बेडेड है, वो एक सॉकेट के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं जॉ, है ना। तो वो जो जॉ के अंदर एम्बेडेड है, तो वो प्रकार, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपका कहलाता है थीकोडोन अरेंजमेंट, जिसके अंदर टूथ जो है वो एक सॉकेट के रूप में क्या होते हैं, आपकी जॉ लाइन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में हिप्रोडोन। देखिए हिप्रो का मतलब हो गया अलग, मतलब अलग से मतलब हो गया इसमें एक दो या दो से अधिक टाइप की चीजें प्रेजेंट है। तो जब भी आप देखते हैं अपने, तो अपने पास में फोर टाइप ऑफ टीथ अपने प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, इनसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो चार प्रकार के अपने टूथ हैं, कौन कौन से, इनसाइजर सबसे आगे वाले कैनाइन, ये देखिए जो नुकीले जो टीथ होते हैं दैट इज कैनाइन, उसके जस्ट आगे प्रीमोलर और उसके जस्ट आगे मोलर, ठीक है। मोलर और प्रीमोलर क्या काम आएंगे, मोलर और प्रीमोलर सिर्फ चबाने के काम में आते हैं, किसी भी चीज को अपन खाते हैं उसको चबाते हैं, क्योंकि अपन कोई भी चीज चबाते हैं वो इस वाले पार्ट से चबाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोलर और प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन किसी चीज को कुतरते हैं अपन जैसे, तो कुतरने के लिए जो कोई चीज काम में आती है वो कौन से, अपने आगे वाले जो इनसाइजर्स है ना, ये सामने वाले, ये है। कुछ लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, तो वो नेल बाइटिंग की जो आदत होती है वो क्या करते हैं, आगे वाले दांत से नेल को क्या करते रहते हैं, बाइट करते रहते हैं, क्लियर। इसी प्रकार से ये जो आपके कैनाइंस है ना, ये कैनाइंस क्या होते हैं, किसी चीज के अंदर उसको टीयरिंग एंड पायरसिंग के लिए काम में आते हैं। मतलब कि जब अपने पास में कोई सब्सटेंस है, जैसे एप्पल है या कोई भी चीज है, उसको अगर अपन खाते हैं तो उसके लिए ये उसके अंदर जाना, मतलब फिट होना, उसको फाड़ने के लिए, तो ये नुकीले इसलिए होते हैं कि उस चीज के अंदर क्या हो, अच्छी तरह से एम्बेडेड हो जाए। तो इनसाइजर्स की बात करें तो इनसाइजर्स का काम क्या होता है, किसी भी चीज को कुतरने के काम में आते हैं, ठीक है, कटिंग के काम में आते हैं, कट करने के काम में आते हैं। और अगर अपन कैनाइंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, पायरसिंग, मतलब उसको फाड़ने के काम में आते हैं, ठीक है, क्योंकि नुकीले होते हैं। प्रीमोलर और मोलर ये आगे वाले पार्ट होते हैं, इसको अपन दाढ़ भी बोलते हैं, ठीक है, ये किस काम में आते हैं, ये चबाने के काम में आते हैं, ठीक है। इन चार टूथ के अलावा अपने पास में एक टूथ और पाए जाते हैं, दैट इज विजडम टीथ।
ठीक है, विजडम टीथ क्या होते हैं, वेस्टिजल ऑर्गन होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि विजडम टीथ सभी के अंदर पाए जाए, ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो जनरली अगर अपन तक बात करें तो ये क्या होते हैं कि जो लगभग 25-30 जो एज होती है इसके अंदर, इसके बाद भी ये आते हैं। इससे पहले तक का जो डेंटिशन होता है वो अपना होता है 28 टीथ का, मतलब अगर आप अभी अपने टूथ को काउंट करेंगे तो वो 28 निकलेंगे, 32 नहीं निकलेंगे। 32 कब होंगे, जब विजडम टीथ भी क्या होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं, विजडम टीथ काउंट होंगे तभी वो किसमें होंगे, 32 के अंदर काउंट होंगे, नहीं तो अपने जो टीथ पाए जाते हैं कितने पाए जाते हैं, 28 ही पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए कि ये तो बात हो गई किसके बारे में, हिट्रोडोंट के बारे में। हिट्रोडोंट के अंदर आपके आगे इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर और मोलर जो दाढ़ हो गई, ये पायरेसिंग के लिए और ये आपकी कटिंग के लिए काम में आते हैं। क्लियर। देखिए टीथ इरप्शन 6-8 मंथ, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है टीथ इरप्शन, मतलब जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, इन्फेंट होता है, जब उसके अंदर उसके जन्म के बाद में जो उसके दांत निकलना चालू होते हैं वो लगभग कौन सी टाइम पे होंगे, कौन सी एज के अंदर, 6-8 मंथ एज के अंदर वो दांत निकलना उसके चालू हो जाते हैं। सबसे पहले कौन से आएंगे, सबसे पहले आएंगे आपके सेंट्रल इंसाइजर्स, मतलब जब आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे तो उसके सामने वाले दांत आपको सबसे पहले आते हुए निकलते हुए दिखाई देते हैं, वो भी कौन सी एज के अंदर, 6-8 मंथ एज के अंदर ऐसा होता है। क्लियर। नेक्स्ट है ह्यूमन हैव डाइफायोडोंट स्ट्रक्चर। डाइफायोडोंट का मतलब हो गया, डाई का मतलब दो, है ना। तो देखिए डाइफायोडोंट का मतलब ह्यूमन के अंदर दो बार टीथ आते हैं, फर्स्ट इज मिल्क टीथ, सेकंड इज परमानेंट टीथ। देखिए मिल्क टीथ की अगर अपन बात करें तो वो छोटी एज के अंदर, चाइल्डहुड के अंदर 6-7-8-10-9 साल तक की उम्र तक के अंदर आते हैं और फिर उसके बाद में वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा से क्या होते हैं, टीथ आते हैं, दैट इज परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ अगर एक बार चले जाते हैं या किसी कारण से मिसहैपनिंग से टूट जाते हैं तो वो वापिस से नहीं आ सकते। क्लियर। तो क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वन टाइम रीजनरेशन पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल के टीथ के अंदर लाइफ टाइम रीजनरेशन पाया जाता है, मतलब उसके टीथ जितनी बार भी टूटते हैं वो उतनी ही बार क्या हो जाते हैं, वापिस से रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अपने साथ में ऐसा नहीं होता है, अपने साथ में होगा क्या, अपने साथ में डाइफायोडोंट है, मतलब कि एक बार आ गए उसके बाद में दोबारा जो आएंगे वो परमानेंट टीथ आएंगे, लेकिन अगर उसके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो दोबारा से नहीं आते। क्लियर। मिल्क डेंटिशन आप लोगों को बताइए कि जो फर्स्ट टाइम जो टीथ आते हैं छोटे बच्चे के, ये वाले मिल्क टीथ, इसको मिल्क टीथ बोलते हैं, दैट इज मिल्क डेंटिशन। नेक्स्ट है प्रीमोलर एब्सेंट इन चिल्ड्रन। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि जो अगर अपन प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर जो होते हैं आपके, ये चिल्ड्रन के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखिए चिल्ड्रन के अंदर एब्सेंट क्यों होते हैं, कि अगर देखिए मैं इसका डेंटल फॉर्मूला लिखूं, किसके बच्चों का अगर अपन डेंटल फॉर्मूला लें तो डेंटल फॉर्मूला आएगा 2-1-0-2, 2-1-0-2 × 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये है आपका इंसाइजर्स, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये आपका हो गया मोलर। तो इंसाइजर्स कैनाइन, ये अपर जो, ये लोअर जो, अपर जो के अंदर ये वाला, लोअर जो के अंदर ये वाला। ऊपर अगर अपन बात करें दो इंसाइजर्स एक कैनाइन, प्रीमोलर एब्सेंट है, देखिए प्रीमोलर एब्सेंट है यहाँ पर, और मोलर कितने हैं, दो हैं। तो अगर एक छोटे बच्चे के अंदर आप लोगों से पूछा जाए, चिल्ड्रन के अंदर पूछा जाए कि उसका डेंटिशन क्या होगा, तो आप यहाँ से काउंट कीजिए 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5 और 5, 10, 10 × 2, 20। तो उसका जो डेंटिशन आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। इट मीन्स छोटे बच्चे के अंदर पाए जाने वाले जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनिमल इज कोटिंग एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर बॉडी। अगर एनिमल की अगर अपन बात करें तो एनिमल क्या है, एनिमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, देखिए जो दांत के ऊपर अगर अपन देख रहे हैं ये वाली कोटिंग जो आपकी है, ये किसकी है, एनिमल की है। और एनिमल की बात याद रखें कि एनिमल जो होता है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, कई आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा देर तक टूथब्रश करते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादा देर तक टूथब्रश करना आपके एनिमल की जो कोटिंग है उसको क्या कर देता है, घिस देता है, जिससे आपके बाद में क्या हो सकता है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, डेंटिशन से रिलेटेड, डेंटिस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होना चालू हो जाती हैं। तो इसको भी ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि ब्रश करते वक्त ज्यादा भी आपको दांतों को नहीं घिसना है, जिससे एनिमल कोटिंग क्या हो जाए, आपकी उतर जाए। क्लियर। अब देखिए ये तो बात हो गई किसकी, चिल्ड्रन के डेंटल फॉर्मूले की। अगर अपन यही बात किसकी करें, यही बात करें अगर अपन एक एडल्ट के डेंटल फॉर्मूले की, ये डेंटल फॉर्मूला है, डेंटल
फॉर्मूला। अगर एक एडल्ट के डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो 2 1 2 3 2 1 2 3, ये है आपकी अपर जो और ये है आपकी लोअर जो, लोअर जो, क्लियर। वही आपको 2 से इनटू करना है इसको, तो कितने हो गए 3 to 5 6 6 और 2 8 8 और 8 16 16 into 2 is equal to 32, हो गए 32 आपके टीथ हो गए, क्लियर। अब देखिए विजडम टीथ की अगर अपन बात कर रहे थे वो मोलर की जगह आएंगे, किसकी जगह आएंगे, मोलर की जगह आएंगे, तो विजडम टीथ यहां से आप हटाओगे तो ये हो जाएंगे 2 1 2 2 2 1 2 2, क्लियर। कब, जब जिसके अंदर 28 टीथ हैं तब ये 2 हो जाएगा और 32 टीथ हैं क्योंकि एक और आ गया तो ये क्या हो जाएगा, डेंटल फॉर्मूला आपका 3 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आज अपन ने बात कर ली किसके बारे में, टेस्ट बड के बारे में, पैपिलास के बारे में, और उमामी जो आपका टेस्ट होता है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण होता है, ये भी अपन ने बात कर ली, और इसके साथ में इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ये आपकी जॉ की जो आपकी जो लाइन है आज इसको देखिएगा मिरर के अंदर आपको पता चल जाएगा कहां कहां पे कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है होती हैं। तो ये सभी आज अपनी बात हो गई किसके बारे में, टूथ के बारे में, टूथ की जो फॉर्मूला है उसके बारे में, टूथ कहां पर प्रेजेंट है उनके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे टूथ की स्ट्रक्चर के बारे में। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।